राधे राधे माधव सगज में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ऑरेंज कलर की ये पोशाक। ये ड्रेस बहुत सुंदर है, देखने में और बनाने में उतनी ही आसान है। ये मेरी 6 नंबर गोपाल जी की ड्रेस है और मैं आपको 5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस बनानी बताऊंगी। तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है। इसमें हमने नेट का फैब्रिक लगाया, पोलन लगाया, फ्लावर्स लगाए हैं, शीशे लगाए हैं, देखिए मिरर भी लगाए हैं और उसका डिजाइन आप देख ही रहे हो कितना प्यारा कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे जो ये फ्लावर्स हैं बहुत ही प्यारे ऑरेंज शेड के, ये लाइट डार्क का हमने कॉम्बिनेशन दिया है। देखिए ड्रेस तो बहुत सुंदर है, ये 2 पीस ड्रेस है जैसे कि इसकी दिखाई दे रही है। ये घेरा अलग से और चोली अलग से, चोली भी हमने इसकी अलग से बनाई है। तो जैसे मैं आपको बताया थी हमने चोली इसकी अलग से बनाई, मैं आपको चोली भी दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये चोली हमने नेट के फैब्रिक की बनाई है। देखिए जैसे कि नेट का फैब्रिक इसमें ही लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे नेट का जो फैब्रिक इस्तेमाल किया वो हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाला किया, तो ताकि ये बहुत सुंदर बहुत ही खूबसूरत सा प्यारी सी ड्रेस बने। तो देखने में जैसे सुंदर लग रही है तो हमने चोली इसकी नेट की फैब्रिक की बनाई। तो देखिए बहुत सुंदर सी चोली मैंने आपको दिखाई, इस तरीके की ड्रेस बहुत ही प्यारी सी ड्रेस हमारे ठाकुर जी की, यही ड्रेस मैं आपको बनानी बताऊंगी। बनाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो आइए ड्रेस बनाने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी, जैसे ये ड्रेस आपने देखी है तो ये ड्रेस का जो डायमीटर और जो डिजाइन का ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये देखिए 12 इंच है। इस तरीके से ये 6 नंबर गोपाल जी की ड्रेस है। तो अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो 5 नंबर कैसे बनाएंगे मैं वो आपको बनाना बता देती हूँ। ये तो हैवी ड्रेसेस हमेशा मैं बुकरम पे बनाती हूँ, तो बुकरम के आगे पीछे मुझे लाइनिंग या कपड़ा लगाना होता है, वो मैं आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बनाते हैं और कटिंग करते हैं। तो ये देखिए आपने ड्रेस देखी, आइए इसी तरीके की ड्रेस मैं आपको बनानी बताऊंगी, इसी तरीके से कैसे बनाई जाएगी। तो देखिए जैसे मैं आपको बताया कि इस तरीके से ये हमने बुकरम का बेस कट कर लिया, कट मैंने काफी वीडियो में कट करना बताया हुआ है। तो हम एक बुकरम लेती हैं, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड अस्तर लगा लिया। तो इस तरीके से देखिए हल्का हल्का अस्तर लगाने के बाद किया कि बुकरम का काफी हैवी बेस हो जाता है, उसकी लुक अच्छी आ जाती है। इस तरीके से करने के बाद ये देखा हमने वन साइड और इसका दूसरी साइड, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया। इसे कटिंग करनी मैंने आपको पहले से काफी वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से करते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। इस तरीके से हम अपने ठाकुर जी के ड्रेस का माप लेते हैं, पहले बुकरम कट करते, इस तरीके से यहाँ से कमर कट करते जो कि मैंने अभी तक नहीं की है, तो इसको मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। और यहाँ से गोलाई लेते हैं, ये बेस कट करने के बाद बुकरम की कट करने के बाद हमें यहाँ पे वन साइड ऑरेंज और दूसरी साइड हमने लाइट कलर का कपड़ा लगाया। तो इस तरीके से करने के बाद हमने इसको स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। आइए जैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फैब्रिक। तो फैब्रिक ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का ये फैब्रिक लिया, इस तरीके से ये बहुत ही हल्का सा फैब्रिक है, ये देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हल्के फैब्रिक के हमें तिकोने कट करने हैं, तो हल्का ही फैब्रिक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमने फैब्रिक लिया कॉटन का ही है। तो इस तरीके लेने के बाद इससे मैं पट्टियाँ कट करूँगी, मैं आपको बता देती हूँ हमें पट्टियाँ किस तरीके से कट करनी है। तो देखिए हमने एक पट्टी में से इस तरीके से 3x3 के इस तरीके से पीस कट कर लिए हैं। तो बहुत सारे हमने ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए 3x3 के हमने इस तरीके से पीस कट कर लिए। तो जब हमें 2 रो लगाने तो उसके अकॉर्डिंग हमें इतने पीसेस कट कर लेने हैं। कट करने के बाद ये 3x3 के पीसेस कट करने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर एक पीस को लेंगे और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड हम इस तरीके से करेंगे। ये देखिए 2 फोल्ड हमने किए, ये ट्राइंगल हमारा तैयार हो गया। ट्राइंगल करने के बाद यहाँ से वन साइड और एक इस साइड से, इस तरीके से हमें ये पीसेस तैयार करने हैं। तो देखिए मैंने ट्रायंगल का किस तरीके से शेप दिया, तो इस तरीके से हमें लीफ तैयार करनी। तो आइए इन लीफों को सभी को हम स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी लीफ को स्टिच कर लिया। तो इतनी सारी हमने लीफ को स्टिच कर लिया, देखिए है ना कितने प्यारे से पेटल्स रेडी हो गए। इस तरीके से स्टिच करने के बाद क्या करना है, इसके 2 राउंड इसी तरीके से हमें स्टिच करने। देखिए इस तरीके से रखने के बाद फर्स्ट राउंड स्टिच करेंगे पहले, ये देखिए इस तरीके से सेट करने के बाद फिर हम दूसरा राउंड भी इसी तरीके से एक के ऊपर हाफ हाफ पार्ट में इस तरीके से रखेंगे और इसको पूरा पूरा राउंड करके स्टिच कर लेंगे। तो आइए मैं इतना स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था इसी तरीके से मैंने 2 रो को स्टिच कर दिया। इसी तरीके से स्टिच करने के बाद देखिए कितने सुंदर से अच्छे तरीके से ये हमने स्टिच कर दिया, तो बहुत ही फिनिशिंग से ये स्टिच हो जाता है। ये देखिए ये 2 रो हमने स्टिच कर दिए, पक्के से स्टिच हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमारे ठाकुर जी की यहाँ पर कमर है और यहाँ से हमें वन साइड ओपन करनी है। तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ पहले। तो देखिए हमने वन साइड यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो इस तरीके से करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये चीज़ खाली है, खाली की वाली जगह पे हम यहाँ पे नेट की फ्रिल करेंगे। तो फ्रिल को हम कैसे स्टिच करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें नेट की फ्रिल करनी है, तो फ्रिल के लिए हम कैसे यहाँ पे माप लेंगे, इस तरीके से यहाँ से जितना हमारी ये जगह हमारी आ जाती है जहाँ तक सिलाई से इस तरीके से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पे ये माप करेंगे। मापने के बाद हम इस तरीके से एक नेट की पट्टी को हम कट कर लेते हैं, कोई फैब्रिक भी कट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो मैंने ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए और आपको दिखाई दे रहा ऑरेंज कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली गोल्डन यहाँ पे इसमें एम्ब्रॉयडरी, तो मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक इसको नेट को कट कर लिया है।
कट करने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच कैसे करेंगे, इस तरीके से आप प्लीट्स तैयार करेंगे। तो पूरी पट्टी में पहले प्लीट्स तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए हमने यहाँ पर जो हमारे नेट का फैब्रिक था हमने यहाँ पे फ्रिल तैयार कर ली। तो कितनी सुंदर और कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे फ्रिल तैयार किया। बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे प्लीट्स तैयार हो जाती है। करने के बाद ये जो हमने यहाँ पे इतनी हमने इसमें प्लीट्स डाली हैं, इस जो नेट का फैब्रिक, इस तरीके से हमें हैवी प्लीट्स डालने के लिए हमें 50 इंचेस हमने ये साइड जो ली हमने 50 इंचेस ली है। करने के बाद ये देखिए हम देखते हैं अब हमारे यहाँ पर फ्रिल कितनी एक्स्ट्रा बनती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो देखिए मैं आपको दिखाई इस तरीके से हम रखेंगे। यहाँ पर जो यहाँ पे कमर है हमारे ठाकुर जी की, यहाँ से रखते हुए इस तरीके से रखते हुए घनी घनी इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा फ्रिल होगी इस तरीके से यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो आइए मैं इतना स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से हमें यहाँ पर कमर के यहाँ पर स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद ये हमने यहाँ पर नेट स्टिच कर दिए साइड में। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर भी इस तरीके से नेट से ही यहाँ पर कवर करके स्टिच कर दिया। तो दोनों साइड से इस तरीके से यहाँ पे गोटा पट्टी भी लगा सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर नेट से भी स्टिच कर सकते हैं। तो ये स्टिच करने के बाद एक सिलाई मैंने यहाँ पर भी लगा दी। इस तरीके से कवर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेफा स्टिच करेंगे। तो आइए नेफे के लिए मैं पट्टी कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंच की पट्टी कट कर ली नेफे के लिए। तो नेफे के लिए इस तरीके से पट्टी कट करने के बाद नेफा कैसे स्टिच करेंगे, देखिए ये सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। इस तरीके से रखेंगे पहले हम इसको और यहाँ से इस तरीके से रखते हुए हम पहले इसको पूरे को स्टिच कर लेते हैं। आइए इस तरह स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था हमने उल्टी साइड से स्टिच करने के बाद इस तरीके से इसको पलट दिया। हमने यहाँ पर सीधी साइड लिया है। सीधी साइड लाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से नेफे को स्टिच करेंगे। नेफे को स्टिच करते हुए यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और साथ साथ यहाँ पर स्टिच करेंगे। साथ में हम डोरी रखेंगे, डोरी को भी साथ में रखेंगे और स्टिच कर लेते हैं। आइए इतना स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था मैंने यहाँ पर इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए नेफा स्टिच कर लिया और साथ में मैंने देखिए डोरी स्टिच करके साथ में डाल दिया। इस तरीके से हैंडमेड डोरी भी डाल सकते हैं और रेडीमेड भी डोरी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से स्टिच करने के बाद यहाँ पर नेफा स्टिच हो गया। जैसे स्टिच तो ये हो गया, बहुत सुंदर इसी तरीके से बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है। अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे, कैसे करेंगे आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया डेकोरेट के लिए इस तरीके से हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो ये हमारे फ्लावर्स है, तो देखिए हमारे फ्लावर्स है इस तरीके। ये देखिए हम फ्लावर्स लगाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर हमारी सिलाई है, सिलाई के यहाँ पर साइड में जहाँ पर पूरे में सिलाई राउंड राउंड पर यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर्स रखेंगे और साथ में हम एक कॉलर रखेंगे। इस तरीके रखने के बाद इतना करने के बाद हम क्या लगाएंगे इसमें मिरर, तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके का मिरर यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके के मिरर को मैं यहाँ पर इस तरीके से रखूँगी। तो इस तरीके से हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसी से फ्लावर से, पोलन से और मिरर से, तो मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट करना और मैंने जिस तरीके से एडजस्ट करना है उस तरीके से मैंने इसको पहले इसको रख लिया है। खाली अभी मैंने इनको रखा है, इसको ग्लू गन से हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे जहाँ जहाँ मैंने रखा इसी तरीके से। देखिए कितनी सुंदर सी पोशाक लग रही है ना। तो देखिए मैंने आपको ये ड्रेस बनानी और यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेट आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। फ्लावर्स लगा सकते हैं, पोलन लगा सकते हैं या कोई और डिफरेंट कलर के फ्लावर्स है, हैंडमेड लगा सकते हैं। तो ये देखिए लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तो ये पोशाक को इसी तरीके से डेकोरेट किया और बहुत ही प्यारी लग रही है। इस तरीके से फाइनल लुक मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसका फाइनल लुक क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से इसका फाइनल लुक है। तो ड्रेस बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी हमारे ठाकुर जी की, देखिए। तो देखिए मैंने आपको फाइनल लुक दिखाया ड्रेस का, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। ड्रेस को इस तरीके से कमर से भी इस तरीके से हम ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी जैसे मैंने आपको बताया हैंडमेड डोरी भी लगा सकते हैं और रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी लगाई और इस तरीके से नेट से भी मैंने दोनों तरीके से आपको बताया कि दोनों तरीके से हम इसको यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। बनाने का तरीका बताया मैंने, इसको डेकोरेट का तरीका बताया। मुझे तो ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगी, आपको कैसी लगी ड्रेस कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हमारे ठाकुर जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। मैं आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।